हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम यहां पर बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बीत चुके 6 चरणों के बारे में, क्योंकि आज जो है छठवें चरण की जो वोटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब केवल 57 सीटों पर सातवें चरण की वोटिंग बाकी है जो कि 1 जून को होगी। तो आज हम यहां पर ये जानेंगे हमारे डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी से कि बीते 6 चरणों में कौन सी पार्टी जो है वो पैठ मजबूत करने में, पैठ बरकरार करने में कामयाब रहेगी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है, जो ये 6 चरण के चुनाव हुए हैं 483 सीटों पे, लगभग 90% से भी ज़्यादा सीटों पर हो चुके हैं चुनाव, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है? ठीक है, देखिए, जैसा आपने बोला कि 90% जो इंडिया है, भारत है, वो वोट डाल चुका जी। 6 चरण समाप्त हो गए, 7वें चरण में 57 सीटों पे और वोटिंग होनी है जी। और इसमें से तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पूरी तरीके से वोटिंग हो चुकी है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान, मतलब बड़े बड़े जो मेजर स्टेट हैं आपके, उनमें हो चुकी है। अब जो 57 सीटें हैं उनमें से बिहार की कुछ सीटें हैं, यूपी की कुछ सीटें हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। इस बार जो चुनाव है, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 4 लोकसभा, इस मिला के 4 लोकसभा चुनाव कवर किए जी। और ऐसे राजनीति में मतलब उससे पहले भी इंटरेस्ट रहा। ये चुनाव बड़े उदासीन चुनाव हैं जी, ये तो मैं कहूँगा। मतलब मैंने इतना ठंडा लोकसभा का चुनाव नहीं देखा। 2014 का जो चुनाव था वो होप का चुनाव था, मतलब जनता इस पे थी कि हमें एक नए लीडर को लाना है जो हमारी जिंदगी बदल देगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। 2019 का जो चुनाव था वो राष्ट्रवाद का चुनाव, मैं ऐसे बोलता हूँ, वो पुलवामा और बालाकोट हुआ था। उसके बाद वो मतलब एक हम लोग पूरा राष्ट्रवाद से भरे पड़े थे जी। लहर थी वो, मोदी की लहर बढ़ गई थी क्योंकि 2014 से 2019 में उन्होंने और सीटें गेन की थी जी। इस चुनाव में हम लोग ग्राउंड पे भी गए, आप भी हमारे साथ गए और भी आते जाते इधर उधर हम लोग बात करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग एज ए जर्नलिस्ट लोगों से बात करते हैं, तो बहुत लोगों में ऐसा कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये बाईपोलर हो गया है। एक तरफ एनडीए ब्लॉक है जिसको बीजेपी लीड कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, फिर उसके साथ और लोग हैं, आरजेडी है बिहार में, समाजवादी पार्टी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, मतलब उन्होंने जहाँ जहाँ अलायंस बने लेफ्ट के साथ, और वो आईयूडीएफ के साथ केरल में, स्टालिन के साथ तमिलनाडु में, डीएमके के साथ। मुझे लगता है कि 6 चरणों के बाद अभी भी मुझे जो लगता है बीजेपी को और इंडिया को एज है, मुझे ऐसा लगता है जी। अब देखिए, जो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं यूट्यूब पे, चाहे टीवी पे, चाहे सोशल मीडिया पे, दो ही तरह की बातें मुझे दिख रही हैं। मतलब जो मेरा जो स्टडी और जो एनालिसिस मेरा जो कहता है, दो ही तरह की बातें बिल्कुल निकल के सामने आ रही हैं। एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि बीजेपी अपने दम पे 320-330 सीटें लाएगी, और दूसरा धड़ा है जो ये कह रहा है कि बीजेपी 230-240 पे सिमट जाएगी। अगर आप मेरे से, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस पूछेंगे तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 300-320 सीटों के बीच में रहेगी जी। उसकी कुछ वजह है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे, 80 सीटें हैं। मुझे ये लगता है बीजेपी ने पिछले बार वहाँ 62 सीटें जीती थी, उससे पहले 71 जीती थी। पिछले बार 62 जो सीटों की जो कमी हुई थी वो सिर्फ इस वजह से हुई थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल के लड़े थे जी। इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ वो नहीं कर पाए गठबंधन जी, कांग्रेस के साथ कर लिया। ये बड़ा स्ट्रेंज एक वो है, मतलब बीएसपी का वहाँ पर तकरीबन 12-13% वोट पिछले के चुनाव के बाद भी था, और कांग्रेस 2-2.5% वोट पे थी। आपने 13% वालों को छोड़ दिया और 2-3% वालों के साथ हाथ मिला लिया, 2.5% वालों के साथ। तो ये इस तरीके के स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपोजिशन ने की है जी। बीजेपी कुछ जगहों पे अपनी सीटें हारेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र में हारेगी, राजस्थान में हारेगी, हरियाणा में हारेगी जी। लेकिन कुछ जगहों पे वो सीटें गेन करने की भी स्थिति में है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में वो सीटें गेन करने की स्थिति में दिख रही है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में बहुत स्मार्ट मूव किया और वो जाके टीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, वहाँ से 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी का भी वहाँ 0 सीट है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं सारे ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी अच्छा करेगी जी। और उसका जो स्पिल ओवर है वो बीजेपी पे भी आएगा, 2-3 सीटें बीजेपी भी शायद उस चक्कर में निकाल ले जाए जी। बंगाल में स्थिति जब चुनाव शुरू हुई थी तो बराबर की थी, फिर बीच में ये लगने लगा कि बीजेपी को अब एज हो रहा है, बीजेपी ने 18 सीटें पिछले बार निकाली थी जी।
फिर उसके बाद लगने लगा कि ममता बनर्जी फिर से आगे आ रही है रेस में। अभी जो पिछले चार पाँच दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं कुछ ऐसे हुए हैं, जैसे हाई कोर्ट ने जो वो आरक्षण निरस्त कर दिया उन्होंने 2011 के बाद वाले सारे, उसमें बीजेपी को एक वो मिला कि भाई ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, तो वो भी जो अब सीटें जिन पे चुनाव बाकी हैं वहाँ पे वो इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो अब फिर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को फिर से एक एज मिल रहा है वहाँ पे। तो छठे चरण के बाद देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था पहला चरण जब शुरू होने से पहले तो ये चुनाव बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई जान नहीं है, ये बड़ा इजी चुनाव है, बीजेपी आसानी से निकाल ले जाएगी। पहले और दूसरे चरण के बाद बीजेपी को ये एहसास हुआ कि ये उनके लिए थोड़ा टक्कर का चुनाव होने, उसकी वजह ये भी थी कि साउथ की सीटों पे साउथ के राज्यों में चुनाव हो गए थे। तमिलनाडु निपट रहा था, केरल निपट रहे थे, बीजेपी को वहां से उम्मीदें थी। खासकर तमिलनाडु में बीजेपी ने काफी इन्वेस्ट किया, अन्नामलाई जब से वहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट बने वो बहुत वोकल हैं, आईपीएस रह चुके हैं, काफी उनको अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी। मोदी ने वहाँ बहुत रैलीज की हैं, अमित शाह भी वहाँ पे रैली कर चुके हैं, लेकिन जब उनको लगा कि अच्छा यहाँ पे हमें शायद बहुत ज्यादा परचेज नहीं मिलेगा, उसके बाद तीसरे चरण के बाद से बीजेपी ने अपनी जो उनकी मशीनरी है उसको पूरा फिर से एकदम से एक्टिव किया, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो फॉर्म में आए। लास्ट के दो चार चौथे और पांचवें और ये छठे चरण के चुनाव, ये मेरे ख्याल से बीजेपी इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है और एनडीए भी अच्छा परफॉर्म करेगी उनके वजह से। तो मुझे लगता है कि छह चरण के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इसमें कोई, इस पर तो कोई शक नहीं है, तो बात दावे के साथ कही जा सकती है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। और मतलब 272 का आंकड़ा भी अगर वो पार कर जाए अपने दम पे तो उसमें कोई अचरज नहीं है, मुझे लगता है आसानी से दो, क्योंकि जहाँ पे उनकी जो, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मतलब 80 में से तकरीबन आप समझ लीजिए कि 50-40 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी का मार्जिन काफ़ी है जी, और उस मार्जिन को वो करना उतना आसान नहीं है। तो वैसे उत्तर प्रदेश है, पिछले बार बीजेपी ने 62 जीती थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मतलब दावा इन द सेंस कि मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, जो देखिए बात जो समझ रहे हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है कि बीजेपी किसी भी सूरत में वहाँ पे 60 से कम सीटें नहीं जीतेगी। ओके, एक आग दो सीटों का नुकसान हो जाए तो हो जाए, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ये मुझे इस बात का मुझे पक्का आभास है। एक दो सीटें मतलब वो कैंडिडेट्स से लोग खुश नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा अपने डीएनए के दर्शकों को, कानपुर में बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी को टिकट ना देके अपने एक नए बंदे को उतारा जी। और जब वो स्टेशन पे गए, कानपुर स्टेशन पे जब वो उतरे तो जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो उनको पहचानते नहीं थे जी। साथ में 3 लोग थे, उनको लगा कि वो नहीं है एमपी का कैंडिडेट, दूसरा है, उन्होंने दूसरे को माला पहना दिया ये समझ के कि ये हमारा कैंडिडेट है। तो ये सोचिए कि बीजेपी ये वही कैंडिडेट है जो कानपुर में जब रोड शो हो रहा था तो मोदी जी के चेहरे के सामने अपना वो कमल वाला वो ले आया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो बीजेपी इस तरीके के भी मतलब कैंडिडेट से लोग खुश नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कानपुर में ही नहीं खुश है, लेकिन बात वही है कि मोदी फैक्टर अभी भी इस देश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है। एक मतलब बिहार का मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बिहार में कई सीटों पे बीजेपी से कैंडिडेट जो बीजेपी ने दिया उससे लोग खुश नहीं है जी। मैं बिहार से आता हूँ और काफ़ी वहाँ के जर्नलिस्ट लोगों से मेरी बातचीत होती है, मित्र हैं हमारे, तो उनका ये कहना है कि वो वोट जो पड़ रहा है वो मोदी के नाम पर पड़ रहा है, नीतीश के नाम पर पड़ रहा है, कैंडिडेट का नाम लोगों को पता नहीं। प्लस जो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत, इसमें कोई, ये सब जानते हैं कि बीजेपी इलेक्शन को एज अ वॉर लेती है और मैनेज बहुत स्मार्टली करती है। तो एक उदाहरण दूंगा मैं कि जैसे ये तेजस्वी यादव है, बड़ी अच्छी रैलीज कर रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, जनता बहुत आ रही है, चार्ज्ड अप हो जा रहे हैं लोग उनके रैलीज में आके, ना बिल्कुल ऐसा लगता है। उसके बाद वो घर जाते हैं, जिस दिन चुनाव आता है, चुनाव के दिन एक पार्टी का ये काम होता है कि वो अपने वोटर्स को घरों से निकाल के लाए पोलिंग बूथ तक। ये राजनीति हर जगह ऐसे ही होती है, कोई अपने पैसे खर्च करके नहीं आना चाहता, कह रहे ठीक है गर्मी इस कदर की हो रही है। बिल्कुल, बीजेपी वाले घर घर जा जा के अपने लोगों को लाते हैं, आरजेडी वाले वो नहीं कर पा रहे, वो वोटर तैयार बैठा है कि बस मुझे कोई आए और मुझे गाड़ी में, रिक्शे में, बैटरी में बैठा के ले जाए और मैं वोट दे दूँ। लेकिन आरजेडी या तो संसाधन की कमी है या तो मैनेजमेंट नहीं करने आ रहा, तो ये सब चीज़ें हैं जो बीजेपी के हक में जा रही हैं। ओके, ठीक है, अपोजिशन ने ग्राउंड पे हवा बनाई है, ऐसा नहीं है, ट्रैक्शन है, ये 2019 से तो ये चुनाव बिल्कुल अलग है, लेकिन बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, एनडीए को वापस सत्ता में नहीं आने देंगे, मुझे नहीं लगता।
मुझे ये लग रहा है कि छठे फेज के बाद भी बीजेपी अपने मजबूत स्थिति में है और उसके पास एक एज है, अभी भी उसके पास एक एज है। और ये तो वो फेज है जिनमें ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के, समझिए बीजेपी ने इन सीटों पे पिछले बार जीत हासिल कर ली। हरियाणा की सीटें जैसे आज 10 की 10 सीटों पे चुनाव हुआ है, 10 की 10 सीटें बीजेपी की थी। दिल्ली की आज 7 की 7 सीटों पे चुनाव हुआ है, वो सारी बीजेपी की थी। यूपी की जो 14 सीटों पे आज चुनाव हुआ है वो 12 बीजेपी की थी। तो ये बीजेपी के अकेले की थी ये की नहीं, तो ये समझ लीजिए ये बीजेपी का ये दो फेज तो बीजेपी के मतलब वो हैं, होम ग्राउंड में वो खेल रही है, अपोजिशन को सेंध लगाने में मुश्किल होगी। हाँ, यूपी में जैसे वो क्या नाम है उसको, प्रतापगढ़ वाली जो सीट है राजा भैया, घोसी वोसी की सीट जहाँ राजा भैया का इन्फ्लुएंस है, वो सीटें शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो। हारेगा ये निश्चित नहीं है, टक्कर होगी ये निश्चित है, लेकिन टक्कर और हार दोनों फर्क है। आजमगढ़ में जैसे आज चुनाव हुए, मैं ये कह सकता हूँ बीजेपी वहाँ से हार जाएगी, बीजेपी वहाँ से हार जाएगी, टक्कर भी नहीं होगी, आसानी से धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, क्योंकि वो समीकरण उस तरीके से बन रहा है। देखिए हिंदुस्तान में पीपुल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट फॉर देयर कास्ट। ठीक है, वो अपने कास्ट के लिए वोट करते हैं, वो अपना वोट नहीं कास्ट करते। अभी भी वही स्थिति है, ये सच्चाई से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी भी इस देश में वही स्थिति है, जब लोग डेवलपमेंट के नाम पे, एडुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे वोट करेंगे, तब भी हम लोग उस चर्चा में हम लोग बैठेंगे, तो उसी के चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि 6 चरण के चुनाव बीतने के बाद भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है वो बीजेपी होगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी या फिर कांटे की टक्कर पे ही चुनाव जीतने को मिलेगा। आप हमें कमेंट ज़रूर करें और जुड़े रहें डीएनए के साथ।